टिकी है मेरी दृष्टि तुम पर बालक, तुम ही मेरा लक्ष्य हो। मेरे ये नए खिलौने कितने सुंदर हैं। यदि ये मुझसे बातें भी कर सकते तो कितना आनंद आता। बालक, मैं तुमसे बातें कर सकता हूँ। ये तो सत्य में बातें कर रहा है। अरे वाह, तुम्हारे जैसा काठ का पुतला तो मैंने वन में भी देखा था। मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, मैं तो उसे अपने पास ही रखता। किंतु तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ नाना नानी तुम्हें मेरे पास ले आए। अच्छा, तुम बोल तो सकते हो, तो क्या तुम चल भी सकते हो? हाँ, मैं चल भी सकता हूँ। तो चलो। अरे वाह, तब तो तुम नृत्य भी अवश्य कर सकते हो। मूर्ख बालक, मैं शुभता का कंटक वज्रांतक हूँ, भयावह भयंकर असुर हूँ, क्रीड़ा करने वाला कोई काठ का पुतला नहीं। किंतु तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए जो आवश्यक है वो तो करना ही होगा मुझे। हाँ, कर सकता हूँ नृत्य। ये देखो। एक बात और बताऊं तुम्हें, मैं तो उड़ भी सकता हूँ। अच्छा, उड़ सकते हो तुम? हाँ। तो मुझे उड़कर दिखाओगे क्या? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें उड़कर दिखाता हूँ। अच्छा, तो फिर चलते हैं। हाँ चलो। ऐसा उड़ाऊंगा तुम्हें कि तुम कभी लौट नहीं सकोगे। अरे सुनो मित्र, ये तो बताओ कि अपने इस लघु आकार के साथ तुम कैसे उड़ोगे? अरे रुको मित्र, मेरी जिज्ञासा तो शांत करो। अरे रुको। अरे रुको भी, इतनी क्या शीघ्रता है, मैं भी तो साथ हूँ। अरे ये तो अपना आकार बढ़ा सकता है। संभव है ये उड़ भी सकता हो। अद्भुत, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आएगा। आओ बालक, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि मैं उड़ भी सकूंगा? हाँ हाँ मित्र। तो आओ, मैं तुम्हें आकाश की यात्रा करवाता हूँ। हाँ हाँ चलो, आकाश की यात्रा करते हैं, बड़ा आनंद आएगा। आओ। वाह, नाना जी और नानी जी ने बहुत अच्छा खिलौना दिया है। आकाश में उड़ने में कितना आनंद आएगा मुझे। किंतु स्मरण रहे हाँ मित्र, मुझे शीघ्र ही लौटना होगा। चिंता मत करो, ये तुम्हारे जीवन की अंतिम यात्रा है बालक। जीवन का अंत हो जाएगा तो कोई भी चिंता शेष नहीं रहेगी। गिर रहे हैं, तुमने तो कहा था हम उड़ सकते हैं। उड़ेंगे, अवश्य उड़ेंगे, तुम्हारे प्राण। ओ, अच्छा अच्छा, क्रीड़ा कर रहे हो मित्र। अरे
अरे वाह, बहुत आनंद आ रहा है। अरे मित्र, तुमने नीचे जाना क्यों रोक दिया? इतना आनंद आ रहा था। कैसे भी उचित है, अब हमें लौटना चाहिए। उड़ान तो हम कभी भी भर सकते हैं। तुम्हें यहाँ लौटाने के लिए नहीं लाया हूँ मैं। क्यों लाए हैं आप मुझे? तुम्हारे प्राण हरने के लिए लाया हूँ। तो ये मित्र नहीं, कोई शत्रु है जो छल से मुझे यहाँ ले आया है। मुझसे पुनः भूल हो गई, असावधानी कर बैठा मैं। स्नान कुंड में जाते समय माँ ने कहा था हमेशा सावधान रहना चाहिए, किंतु अपने उत्साह में माँ की सीख को भुला दिया मैंने। किंतु माँ की दूसरी सीख भी तो है, भय का सामना करो तो वो मिट जाता है। पुत्र, व्यक्ति की निडरता भय पर और साहस उसके शंका पर भारी पड़ता है। इसीलिए भय किसी भी कारण हो, उस पर विजय पाने का एकमात्र उपाय है अडिग होकर उसका सामना करना। किंतु अब इसका सामना कैसे करूं मैं? हाँ, समझ गया। अरे मित्र, मेरे प्राण हरने थे तो पहले बताना चाहिए था ना। व्यर्थ इतना श्रम क्यों किया तुमने? क्यों श्रम क्यों? तुम मेरे साथ हो और तुम्हारे प्राण तुम्हारे भीतर हैं। तुम्हारा अंत कर तुम्हारे प्राणों का नाश करूंगा मैं। यही तो तुम भूल कर बैठे मित्र, किंतु कहो तो मैं बताऊं। भूल? कैसी भूल? शीघ्र बताओ। मेरे प्राण, वो तो कहीं और सुरक्षित है। तुम मुझे बता देते तो मैं अपने साथ ले आता। इसके प्राण यहाँ नहीं तो कहाँ है? अवश्य मेरे छल से बचने के लिए ये भी छल कर रहा है मेरे साथ। क्या हुआ मित्र, किस विचार में डूब गए? ऐ बालक, तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर में हैं या नहीं वो तो अभी ज्ञात हो ही जाएगा जब मैं तुम्हारे शरीर को नष्ट करूंगा। ये तो बहुत बड़ी भूल करोगे तुम। मेरे शरीर को नष्ट कर दोगे तो कौन बताएगा कि मेरे प्राण कहाँ है? टक टका टक टक, उचित कह रहा है ये बालक। असाधारण है ये बालक जो छलिया विष्णु को अपने पीछे घुमा सकता है, जिसके वध के लिए असुर सम्राट सिंदूरा ने मुझे भेजा है, वो साधारण कैसे हो सकता है? इसके प्राण हरने के लिए इसके शरीर को सुरक्षित रखना होगा मुझे। बालक, बताओ मुझे, तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर में नहीं है तो कहाँ है? अब तुम मुझसे उचित प्रश्न पूछ रहे हो। मुझे स्पष्ट स्मरण तो नहीं, किंतु कदाचित मेरे पिताश्री ने मेरे प्राण उस पर्वत में छिपा कर रखे हैं। वहाँ नीचे। हाँ, वहाँ नीचे। यदि इसके प्राण उस पर्वत में है तो मैं उसे ही खंड खंड कर दूंगा। ले लो मेरे प्राण। धूल का ढेर बने इस पर्वत में तो इस दुष्ट के प्राण कहीं नहीं है, अर्थात पुनः भ्रमित किया इस बालक ने मुझे। टक टका टक टक, वज्रांतक, इस बालक की बातों से मत भटक। ए बालक, कहाँ है तुम्हारे प्राण? बताओ मुझे, मूर्ख मत बनाओ। कैसी बातें कर रहे हो? मैं छोटा सा बालक तुम्हें कहाँ कुछ बना सकता हूँ? तुम तो जैसे हो बने बनाए हो। मेरा अर्थ है, तुम्हें बनाने वाला तो कोई और है। जैसे मुझे मेरी माँ ने बनाया है, तुम्हें भी तो बनाने वाला कोई होगा। बताओ ना, किसने बनाया है तुम्हें? मुझे तो भगवान ने ही बनाया होगा। तब तो तुम्हें भगवान से ही पूछना होगा। किंतु तुमने वो क्या कहा था तुमने? हाँ,
मूर्ख क्यों बनाया है? भगवान को नहीं मानता मैं, विरोध करता हूँ उनका। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। महाभयंकर, महाशक्तिशाली असुर हूँ मैं। असुर हो तुम, अर्थात तुम्हारा सुर बिगड़ा हुआ है, तभी तो अपने बनाने वाले को नहीं मानते तुम। मैं तो अपनी माँ को बहुत मानता हूँ। मेरा एक सुझाव है, जाकर अपना सुर ठीक कर लो। भगवान के सुर से अपना सुर मिला लो, असुर का अमिट जाएगा, तो कदाचित तुम मूर्ख भी नहीं रहोगे। माँ, 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 किसने पुकारा मुझे? माँ ये क्या, आप स्वयं सो गए? आप तो मेरे पुत्र को सुलाने वाली थी, मुझे लगा उसके बाद आप मेरी सहायता करेंगी। कल नामकरण और छठी की तिथि है, कितने सारे कार्य शेष हैं, कितना सारा प्रबंध करना है हमें। मैं कुछ नहीं बोलूंगी पुत्री, किंतु दिवस भर की यात्रा से बहुत थक गई थी मैं। और आप सो गए? कोई बात नहीं माँ, किंतु ये तो बताइए मेरा पुत्र कहाँ है? वो तो, अरे कहाँ गया, यही तो था। आपको पता नहीं वो कहाँ है? पुत्र, 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 पुत्र कहाँ हो तुम? शांत हो जाओ बालक, इतना भी मूर्ख नहीं हूं मैं कि ये भी ना समझ सकूं कि तुम अपनी गोल गोल बातों से उलझा रहे हो मुझे। टक टका टक टक, इतना ही जानना है मुझे कि कहाँ है तुम्हारे प्राण। भटके हुए तो तुम पूर्व से ही हो, उलझे हुए हो मेरे प्राणों को पाने में। तो सुनो, जहाँ तक मेरे प्राणों का प्रश्न है, मुझे तो विश्वास था कि पिताश्री ने उन्हें उसी पर्वत में छुपाया है। बालक, तोल मोल के बोलो अपने बोल, बताओ मुझे कहाँ है तुम्हारे प्राण, अन्यथा। अन्यथा तुम मेरे प्राण हर लोगे, ज्ञात है मुझे, किंतु मेरे प्राण तुम्हें मिलेंगे तभी ना। रुको रुको, मैं बताता हूँ वो कहाँ है। बताओ। हाँ हाँ, स्मरण हुआ मुझे, मेरे प्राण तो वहाँ उस पर्वत में है। उसी में है, चलो ना हर लो उन्हें। ये तो तुम पूर्व में भी कह चुके थे, मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि उसी पर्वत में है तुम्हारे प्राण। अरे इसीलिए कि नंदी जी है ना, उनके सिंह है ना। टक टका टक टक, ए बालक, अब ये नंदी कहाँ से आ गया इस सब में? अरे जैसे नंदी जी के सींग हैं, वैसे ही वो दो पर्वत शिखर दिखाई दे रहे हैं ना। हाँ हाँ, किंतु किंतु परंतु छोड़ दो, पिताश्री ने मुझे बताया था, वैसे ही पर्वत में उन्होंने छिपाए हैं मेरे प्राण। प्रतीत होता है अब इसे स्पष्ट स्मरण हो गया है, किंतु टक टका टक टक, इसका विश्वास कैसे करूं? समझ गया, तुम सोच रहे हो कहीं मैं तुम्हें फिर से मूर्ख तो नहीं बना रहा, किंतु मेरा विश्वास करने के सिवाय कोई और उपाय है तुम्हारे पास? यदि तुम्हारे प्राण इस पर्वत में भी नहीं हुए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानता हूँ, तुमसे बुरा तो और कोई नहीं होगा। अब चलो ले लो मेरे प्राण। इस असुर के लिए यही सीख है। इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा जिससे मेरी एक ही ठोकर में ध्वस्त हो जाएगा ये पर्वत और मिल जाएंगे इसके प्राण। बुद्धि से उमा सुत काम झूले, वज्रांतक शट को क्षत विक्षत किए, आस प्राप्त हो रहे सब काट के, देख देख हर्षित हो बालक मलंग। पर्वत को भी नष्ट कर दिया मैंने,
किंतु तुम्हारे प्राण कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शीघ्र बताओ मुझे कि कहाँ है तुम्हारे प्राण। मैं भी उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ, अवश्य यहीं कहीं होंगे। तुम तो बढ़ते रहो आगे। क्षमा करो, प्रतीत होता है अकारण ही तुमने इतना श्रम किया। ये भी वो पर्वत नहीं लग रहा, कदाचित मुझसे पुनः भूल हो गई। भूल हुई है तुमसे, या तुम मुझे बार बार भुलावे में डालने का प्रयत्न कर रहे हो बालक? तुम तो व्यर्थ क्रोधित हो रहे हो, बालक ही हूँ ना, इसलिए स्मरण रखना कठिन है। वैसे भी पर्वत तो सभी एक समान ही दिखाई देते हैं, किंतु इतना विश्वास मुझे अवश्य है कि इन्हीं में से किसी पर्वत में है मेरे प्राण। तो इसके प्राण यहाँ भी नहीं है बालक। चाहे किसी भी पर्वत में क्यों ना छुपे हो तुम्हारे प्राण, मैं समस्त पर्वतों को ध्वस्त कर ढूंढ लूंगा उसे। संकट में आ जाऊंगा। ये अग्नि की लपटें शांत कैसे हो रही है? इन्हें बुझाने वाली ये शीतल वायु कहां से आ रही है? आहा, इतनी गति, इतना आनंद। आहत हुआ हूं मैं, किंतु पराजित नहीं। प्राण तो मैं इसके लेकर ही रहूंगा। बालक, बहुत हुई तुम्हारी क्रीड़ा, अब शीघ्र बताओ कहाँ है तुम्हारे प्राण। मैंने बताया ना, पिताश्री ने सुरक्षित करने के लिए यही कहीं छुपाए हैं। इसी किसी पर्वत में, क्योंकि मेरी माँ को ना मेरी बड़ी चिंता है। अब वो कौन सा पर्वत है ये ज्ञात नहीं हो पा रहा। सभी पर्वत एक समान दिखाई जो देते हैं। टक टक, शुभता का कंटक, वज्रांतक इन सभी पर्वतों को नष्ट करेगा। किंतु तुम्हारे प्राण लेकर ही रहेगा। जैसी तुम्हारी इच्छा, तो फिर चलो। इतना आनंद आ रहा है मुझे। पुत्र, क्या तुम यहाँ हो? शीघ्र बाहर आओ। वो तो यहाँ भी नहीं है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, आपको स्मरण है ना मैंने क्या कहा था? मेरे पुत्र को संसार के विषय में जानने की बड़ी उत्सुकता है। उत्सुकताएं होती हैं इस आयु में, किंतु इस गहन रात्रि में अपनी उत्सुकता को मिटाने कहां जा सकता है वो? यही तो मैं भी सोच रही हूं, किंतु मुझे विश्वास है वो तो यहीं कहीं निकट ही होगा। मैं उसे ढूंढने नंदी को भेजती हूं। बालक, चारों ओर देख लिया मैंने, यहां भी नहीं है तुम्हारे प्राण। मिलेंगे मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। मैं किसका पुत्र हूँ वो तो ज्ञात है ना तुम्हें? बताओ ना। अज्ञानी, मूर्ख नहीं है ये वज्रांतक। वो तो है कहा तुमने, अर्थात मैं मूर्ख हूँ? अरे ये तो तुम स्वयं कह रहे हो। मैंने कहा कुछ कहा? मैंने तो मात्र एक प्रश्न पूछा था तुमसे। टक 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 टक, सुनो बालक, ज्ञात है मुझे
कि तुम महादेव और देवी पार्वती के पुत्र हो, किंतु उससे इस बात का क्या संबंध है जो तुम बार बार मिथ्या वचन बोलकर मुझे भ्रमित कर रहे हो? अरे भ्रमित मैं नहीं कर रहा हूँ, देवाधिदेव महादेव और शक्ति स्वरूपनी माता पार्वती के पुत्र के प्राण तुम्हें इतनी सरलता से कैसे मिलेंगे? उसके लिए और थोड़ा श्रम करना होगा ना। मेरी माँ कहती है जो निरंतर प्रयत्न करते हैं उनको प्राण नहीं नहीं सफलता अवश्य मिलती है। चलो ना एक बार और ढूंढते हैं। यदि इस बार भी नहीं मिले तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। चलो असुर, मुझे लगता है तुम्हें इस बार सफलता अवश्य मिलेगी। अब तुम नहीं बचोगे बालक, तुमने बहुत कड़ा कर ली वज्रांतक के साथ। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है बालक। मेरा पुत्र किसी मुसीबत में तो नहीं? माता हमने आपके पुत्र को प्रत्येक स्थान पर ढूंढा किंतु वो कहीं नहीं दिखे। ये प्रथम अवसर तो नहीं है जब वो कहीं चला गया है। उसे उचित प्रकार से हम सब मिलकर ढूंढ ही लेते हैं। नंदी शीघ्रता करो, वैकुंठ जाओ, कोई ब्रह्मलोक में जाकर देखूं, संभव है वहीं गया हो। जी माता। कहां है तुम्हारे प्राण और कितने पर्वत खंडित करने पड़ेंगे? एक एक पर्वत को ध्वंस करने में बहुत समय निकल जाएगा। हमें ये सभी एक ही बार में ध्वस्त करने होंगे, क्योंकि भोर होने पर तो पिताश्री मेरे प्राण अपने समीप बुला लेते हैं, और यदि वैसा हो गया तो मेरे प्राण हरने के लिए क्या करेंगे आप? महादेव से कैसे लेंगे उन्हें? उचित कहा ना? नहीं नहीं, यदि तुम्हारे प्राण लेने में उनके समक्ष पहुँच भी गया तो कहीं वो अपना तीसरा नेत्र खोलकर मेरे ही प्राण ना ले लें। तुम्हारा सुझाव उचित है, एक ही बार में सब नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, अपने हाथों से लूंगा तुम्हारे प्राण। ये क्या हो रहा है वहां? उन पर्वतों से इतना धूम्र कैसे उठ रहा है? कहीं ये माता पार्वती के नंदन की कोई क्रीड़ा तो नहीं? नहीं नहीं, यदि वो वहां है तो अवश्य किसी संकट में है। जो भी है मुझे माता पार्वती को बताना होगा। इतने पर्वत समतल कर दिए मैंने, स्वयं भी आहत हुआ हूं, किंतु इसके प्राण मेरे हाथ नहीं आए। सभी पर्वत धूल में मिला दिए मैंने, फिर भी तुम्हारे प्राण नहीं मिले मुझे। दुष्ट बालक, सत्य कहो, कहाँ है तुम्हारे प्राण? अन्यथा क्या तुम मेरे प्राण हर लोगे? कितनी बार कहोगे ये? अच्छा एक बात तो बताओ, इतनी बार हर लूंगा बोलते हो, एक बार भी हर हर महादेव या मेरे मामा जी श्री हर ई की महिमा में क्यों कुछ नहीं बोलते? संभव है तुमको वो प्राप्त हो जाए जिसकी तुम्हारे जीवन को आवश्यकता है। टक 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 टक, शुभता का कंटक, वज्रांतक को बस तुम्हारे प्राण हरने की आवश्यकता है। तुम्हारा ध्यान तो मेरे प्राण में ही अटका हुआ है, अवश्य ले लेना मेरे प्राण, किंतु ये तो बताओ प्राण होता क्या है, उसका क्या महत्व है और मेरे प्राण से तुम्हें क्या लाभ होगा? इतना भी नहीं जानते बालक कि प्राण से ही जीवन है,
मैं तुम्हारे प्राण हर कर तुम्हें तुम्हारे जीवन से वंचित कर दूंगा। ओह, आप समझ आया मुझसे कहां भूल हुई? भूल? कैसी भूल? शीघ्र बताओ। देखो ना, बालक बुद्धि से इतना भी नहीं सोच सका मैं कि मेरा जीवन तो मेरे माता पिता से ही है, इसलिए मेरे प्राण भी वही होंगे जहाँ वो है। तो अवश्य पिताश्री ने मेरे प्राण अपने निवास कैलाश पर्वत में ही छुपाए होंगे। आप तो मुझे वहीं ले चलिए, मैं वहाँ पहुँच कर आपको अपने प्राण दे दूंगा। कैलाश पर्वत महादेव का निवास स्थान, वहाँ जाना तो मेरे लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। कहीं ये बालक मुझे पुनः मूर्ख तो नहीं बना रहा। ये बालक तो मुझसे परिहास कर रहा है। प्राण ढूंढने में इसकी कोई योजना नहीं दिख रही मुझे। अरे अरे, कैलाश तो वहाँ पीछे है, अब कहाँ लिए जा रहे हो मुझे? अरे वो क्या था? क्या हुआ माँ, आपने कुछ देखा क्या? हाँ पुत्री, संभव है कि वो वहाँ है। मैंने वहाँ कुछ हिलते हुए देखा, हमें वहाँ देखना चाहिए। अरे अरे, ये हम किस दिशा में जा रहे हैं? पीछे मुड़ो। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? रुको। बहुत दुष्ट है ये बालक, टक टका टक टक बार बार अपनी बातों के जाल में उलझा कर भटका देता है मुझे, किंतु इस बार इसकी बातों में नहीं आऊंगा मैं। नीचे उतरो दुष्ट बालक। अरे तुम क्या कर रहे हो? कंटक वज्रांतक के साथ घृणा करना चाहते हो ना तुम? तो आओ, अब करो घृणा। अब वज्रांतक तुम्हें अपनी घृणा से परिचित कराएगा। अभी ज्ञात हो जाएगा कहां है तुम्हारे प्राण। मुझे इससे बचने के लिए कुछ और करना होगा, अन्यथा ये वास्तव में मेरी प्राण हर लेगा। अरे ये बालक कहाँ गया? दोष, तुम वहाँ हो? हाँ, मैं तो यही हूँ। देखो तुम्हारी क्रीड़ा बड़ी आनंददायक थी, किंतु विजयी तो मैं ही हुआ, उछलकर ऊपर जो आ गया। चलो अब क्रीड़ा से तुम्हारा मन भर गया हो तो अब चले कैलाश। कैलाश नहीं ले जाऊंगा तुम्हें, आज सर्वनाश करूंगा तुम्हारा। ओ, प्रतीत होता है अभी तुम और क्रीड़ा के इच्छुक हो। कोई बात नहीं, मुझे तो उसमें और आनंद आएगा। क्रीड़ा नहीं बालक, अब पीड़ा सहने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें मृत्यु प्रदान किए बिना मैं रुकने वाला नहीं हूँ। सुन जी, अरे ये क्या, ये वायु का झोंका, इससे तो मेरे नेत्र बंद हो रहे हैं, दृष्टि बाधित हो गई मेरी। किंतु कुछ भी हो जाए, आज नहीं जाने दूंगा इस दुष्ट को।
उड़ा कर अंत करूंगा इसका। बहुत अच्छे सुनजी। ये कैसी भयानक ध्वनि? तेरा पुत्र सुरक्षित तो है ना? नेको आशंकाओं से विचलित हो रही हूं मैं। अपने पुत्र को पुनः नहीं खो सकती मैं। डर लग रहा है मुझे, यदि थोड़ा सा भी हिला तो खंडित होकर बिखर जाऊंगा। क्या हुआ सूजी? मेरे प्राण नहीं हरेंगे क्या? उड़ेंगे भी नहीं क्या? प्रतीत होता है अब तो आपके ही प्राण बखेरे उड़ने वाले हैं। सूजी Come on, come on, come on, come on, come on.
क्या कर रहे हैं? क्या हुआ था तुम्हें? तुम यहां कैसे पहुंच गए? मैं कुछ नहीं बोलूंगी पुत्री, किंतु उचित है चुप रहूंगी मैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चलो पुत्र, कैलाश वापस चल। बस पुत्र, अब बहुत हुआ, अब कुछ नहीं सुनूंगी मैं। शांतिपूर्वक सो जाओ, अन्यथा मैं दंडित भी कर सकती हूँ तुम्हें। कल का दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण और मुझे अनेक कार्य भी करने हैं। कर क्यों माँ, ऐसा क्या होने वाला है? कर कल तुम्हारी छठी और नामकरण संस्कार की तिथि है। इतना कार्य, इतने प्रबंध, इतनी सारी व्यवस्था करनी है मुझे। मेरा नामकरण माँ? हाँ पुत्र, कल तुम्हें तुम्हारा शुभ नाम प्राप्त होगा। अब सो जाओ, विश्राम करो पुत्र। हाँ माँ। आप सभी को प्रणाम। आप सब अभी भी यहाँ हैं? आप सभी को तो विश्राम करना चाहिए था। कल भोर में हमें यात्रा जो करनी है। यात्रा? कैसी यात्रा सची? कहाँ जाना है हमें? आप भूल गए स्वामी, कल पार्वती नंदन की छठी और उनके नामकरण के उत्सव का आयोजन है। हमारा जाना आवश्यक है। देवी पार्वती के पुत्र की नामकरण की तिथि है, तो आप क्या चाहती हैं? हम समस्त देवता अपने कार्यों को छोड़कर उस गजमुख के नामकरण में पहुंच जाएं? नामकरण है तो होता रहे, देवराज इंद्र वहां नहीं जाएगा। ये स्वामी क्या कह रहे हैं? क्षमा करें देवराज, यदि कल के उत्सव में हम देवताओं ने भाग नहीं लिया तो महादेव कहीं हमसे रुष्ट ना हो जाए। स्वामी, देव आदि देव महादेव और आदि शक्ति माता पार्वती को पुत्र की प्राप्ति हुई है, उनके साथ हमारे लिए भी ये आनंद का कारण है। महादेव और माता पार्वती के आनंद में हमें भी सम्मिलित होना चाहिए, अन्यथा महादेव रुष्ट हो जाएंगे। अगर मैं नहीं गया तो रुष्ट हो जाएंगे महादेव। वो गजमुख भोलेनाथ और माता पार्वती का पुत्र है और यही मेरी विवशता भी, इसलिए मुझे उस गजमुख के नामकरण में जाना ही होगा। इस आनंद उत्सव में भाग लेने को स्वामी अपनी विवशता क्यों बता रहे हैं? देवराज को क्या हुआ है? वो महादेव और माता पार्वती के आमंत्रण को अस्वीकार करने का विचार भी कैसे कर सकते हैं? महादेव के आमंत्रण को अपनी विवशता बताना तो विपत्ति को आमंत्रित करने के समान है। व्यवस्था का आभास हो रहा है देवराज को कैलाश जाने में, कहीं ये किसी आगामी संकट की पूर्व सूचना तो नहीं? अंत होगा उस बालक का, निश्चिंत होऊंगा मैं और मेरे प्रभाव से सर्वत्र अंधकार का होगा विस्तार। क्या समाचार लाए हो? वज्रांत तक सफल हुआ ना? समाचार शुभ नहीं है। सुप्ता के कंटक वज्रांत तक का अंत कर दिया उस दुष्ट बालक ने। Thank you.
मैं स्वयं जाऊंगा। जीवन अमिट है मेरा, मिटा दूंगा उन्हें जो विघ्न बनेगा मेरे जीवन का। स्वयं कैलाश जाऊंगा मैं और मसल के रख दूंगा उस बालक को, अंत कर दूंगा उसका। वज्रांतक का पद करने वाले महादेव के पुत्र कौन? मेरा मायावी कवच सभी संकटों से मेरी रक्षा करेगा। धारण कर कैसे भी खड़ग उठा लो कि तू ब्रह्म देव के वचन नहीं झुटलाए जा सकते। उनके शाप के अनुसार वो बालक अवश्य इसका अंत करेगा। अच्छा ही है, वहां ये अपने प्राणों से मुक्त होगा और यहां मुक्ति मुझे मिलेगी इसके आतंक से। कहीं अपनी मायावी शक्ति से इसने मेरे मन में उत्पन्न विचार तो नहीं जान लिए?